हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18 का डेवलपर बीटा 1 का जो अपडेट है, बहुत से यूजर्स को अभी तक भी शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास भी है एक आईफोन, आप इंस्टॉल करना चाहते हो iOS 18 के बीटा अपडेट को, बट आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सेटिंग्स में ये अपडेट शो नहीं कर रहा है। कुछ इस तरीके से, जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करते हो, जनरल में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है चेकिंग, और यहाँ पर आपको iOS 18 शो नहीं हो रहा है। बहुत से यूजर्स की एप्पल आईडी में साइन अप नहीं हो पा रही है, उसके पीछे क्या कारण है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको इसे शो करना है अपडेट को, और कैसे आपको इंस्टॉल करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, ताकि आप सभी इजिली अपने डिवाइसेस को अपडेट कर सको iOS 18 के डेवलपर बीटा 1 के अपडेट के ऊपर। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। सो सबसे पहले गाइस, अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने डिवाइस की फ्री कर लेनी है कुछ स्टोरेज, ताकि इंस्टॉलिंग के टाइम पे आपको कोई भी स्टोरेज का मैसेज ना रिसीव हो। उसके बाद आपको वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, मोबाइल डेटा भी अपडेट ना करना, आपकी बैटरी हेल्थ भी कम हो सकती है। उसके बाद आप गो टू गो इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलिंग प्रोसेस इस तरीके का कि आपको सबसे पहले सफारी को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पर एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टाइप करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन आपको शो करेगा। तो यहाँ पर बहुत से यूजर्स को एक इशू देखने को मिल रहा है कि उनकी जो एप्पल आईडी है वो साइन अप नहीं हो पा रही है। इसी तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलता है, योर एप्पल आईडी इज़ नॉट एलिजिबल टू यूज़। तो यहाँ से आपको टैप करना है सफारी के ऊपर applebeta.com। तो यहाँ पर आपको कमेंट शोन शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साइन अप और साइन इन की दो ऑप्शंस। तो यहाँ से आपको कौन सी ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो अगर आप इसके ऊपर ऑलरेडी एक मेंबर हो, आपने पहले ही अपनी एप्पल आईडी साइन इन कर रखी है, तो फिर तो आपको साइन इन के बटन पर टैप करना है, वरना आपको साइन अप के ऊपर टैप करके अपने एप्पल आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद आपको ये पॉपअप शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपको जरूर 110% आपको 110% शो होने वाला है iOS 18 का डेवलपर बीटा 1 का अपडेट। तो गाइड फॉर बीटा सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर iOS को सेलेक्ट करना है, iPad में भी इंस्टॉल कर सकते हो, iPad को सेलेक्ट कर लो सिंपली, बट मैं iOS में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली इनरोल योर iOS डिवाइस की ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ओपन बीटा अपडेट्स। तो ये जो ऑप्शन है, डायरेक्टली सेटिंग्स को ओपन करके भी ओपन कर सकते हो, बट हम यहाँ से ही ओपन करेंगे। जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको नहीं शो हो रहा था iOS 18 का डेवलपर बीटा अपडेट, तो आपको यहाँ से सिंपली इसे सेलेक्ट करना है, और बैक करोगे चेकिंग शो करेगा। चेकिंग के बाद तुरंत आपको ये अपडेट यहाँ पर पॉपअप देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये अपडेट शो नहीं कर रहा था आपके डिवाइस में, तो आपका ये जो इशू है कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है। अगर आपका ये इशू फिक्स हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अपने चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।